के बारे में क्या सोचती हो? वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जितने परसेंटेज वुमेन का बढ़ेगा उतने ही वुमेन फिर मुद्दों पे बात करेगी, अपने मुद्दे उठाएंगी, अपनी बातें आगे रखेंगी। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जितनी ज़्यादा वुमेन्स होंगी उतने ज़्यादा वुमेन्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो भी, वो सामने रखे जाएंगे, वो ज़्यादा उठाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत ज़्यादा मददगार होगा नॉर्मल लोगों के लिए। ज़रूरत है या नहीं? डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं मतलब हम लोग आजकल जब जैसे बात करते हैं इक्वालिटी की, हर चीज़ की, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो एक औरत ही आगे उठा सकती है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो वो इस चीज़ में ये बहुत मददगारी साबित होगा कि अगर कोई वुमेन आकर वुमेन्स के मुद्दे आके पार्लियामेंट में उठाती है तो बहुत बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट होगा, मे बी बहुत चांसेस होंगे कि उसको सॉल्व किया जाए, उसमें आगे कुछ ना कुछ स्कीम्स आए या कुछ आए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। महिला आरक्षण के बारे में मैं यही सोचती हूँ कि सबको मिलना चाहिए, ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी घर पे बैठी रहती हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाता है घर से बाहर, उनको काम करने की इजाज़त नहीं है। बहुत सारे राजस्थान में बहुत लोगों के साथ ऐसा है, मैं राजस्थान में ही पढ़ी हूँ तो मैंने देखा है वहाँ पे। महिला आरक्षण को लेके मैं सिर्फ इतना मतलब कहना चाहूँगी, अगर मतलब लेडीज़ को या गर्ल्स को आगे आने की एक मौका मिलता है या उनको सीट्स मिलती हैं कि वो जॉब कर सके या आगे बढ़ने के लिए उनको कुछ मतलब एक हेल्प मिले, गवर्नमेंट की मिले या किसी की भी, परिवार की भी मिले, बहुत अच्छी बात है ये। एक्चुअली आजकल भी कुछ परिवारों में या फिर कुछ स्टेट्स में या विलेजेस में ऐसा देखा गया है कि चाहकर भी लेडी से वो चीज़ नहीं कर पाती है, बट अगर कहीं ना कहीं उनको एक पुशअप मिले कि हाँ भाई आप ये करो या आगे बढ़ो, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियाँ या वुमेन्स जो आजकल घर में ही बंद के रह गए हैं वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। बढ़ना सब चाहते हैं, बट उनको एक प्रेशर चाहिए कि हाँ ठीक है, उनकी सपोर्ट में पीछे वाले घर वाले या फिर कुछ लोग या हमारा समाज या हमारे समाज के लोग या गवर्नमेंट खड़ी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अगर कहीं ना कहीं जैसे जेंट्स लोग हैं उनको अगर मौका मिलता है तो महिला को भी मिलना चाहिए। महिला आरक्षण के बारे में यही सोचती हूँ कि सबको मिलना चाहिए, ये ज़रूरत है सबकी, और इससे हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। महिलाएं बहुत तेज़ हैं, मुझे लगता है कि महिलाएं आदमी से ज़्यादा तेज़ हैं। क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं? यस ऑफकोर्स इसकी ज़रूरत है। दिल्ली में फ्री किया है बस के लिए, मैं चाहती हूँ और भी जगहों पे होना चाहिए, लेडीज़ के लिए फ्री होना चाहिए, तो इसकी ज़रूरत है, तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। यही सोचते हैं कि अगर महिलाओं को बढ़ावा मिले इस चीज़ में तो देश हमारा तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि महिलाओं में कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी कुछ कर सकती हैं, बस उनको ज़रूरत है सपोर्ट करने की। महिलाओं के लिए तो होना ही चाहिए ना, महिला भी तो बराबर की वो हिस्सेदार हैं, तो हमारी तो राष्ट्रपति महिला है, तो हमें तो मिलना ही चाहिए सब कुछ। क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं? बहुत ज़रूरत है, क्यों नहीं है, महिला भी आज पूरी हिस्सेदार है।